हे गाइस, माइसेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। पहला तो रेसिडेंसी इन यूके, मतलब जो है एज ए एमबीबीएस डॉक्टर जो है आप कैसे काम कर पाओगे यूके में, पहला टॉपिक। और दूसरा जो टॉपिक है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूके, आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे एमबीबीएस के बाद, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखिए, यूके में काम करने के लिए आपको आपके पास तीन तरीका है, मतलब तीन तरह से आप एंट्री ले सकते हो। पहला तो प्लैब के थ्रू, प्लैब एग्ज़ाम जो है आप देकर जो है आप यूके में जा सकते हो। दूसरा चीज़ जो है वो एमआरसीपी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो है आप यूके में जा सकते हो। थर्ड जो है एफसीपीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो है आप यूके में जाके काम कर सकते हो, रेसिडेंस कर सकते हो या पीजी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस, इस वीडियो में मैं प्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, एमआरसीपी एफसीपीएस के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो प्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन गाइस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। और किसी प्रकार का आपके जहन में क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, प्लैब जो होता है वो गाइस प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड होता है, जो कि यूकेएमएलई कराता है, ठीक है। ये लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जो कि मेडिसिन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो यूके में, ठीक है। और ये प्लैब को क्लियर करने के बाद जो है आप एज ए सीनियर हाउस ऑफिसर काम कर सकते हो, ठीक है। अब प्लैब को एग्ज़ाम देने से पहले जो है आपको जनरल मेडिसिन मेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप जो है वहाँ का जॉब कर पाओगे, सीनियर हाउस ऑफिसर SHO का काम कर सकते हो, ठीक है। पहले रेसिडेंस के बात करेंगे, उसके बाद पीजी के बात करेंगे। अब देखिए, प्लैब जो होता है वो प्लैब स्टेप वन एंड स्टेप टू होता है, ठीक है। प्लैब जो होता है इसे हम प्लैब वन या प्लैब टू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लैब वन की बात करते हैं। प्लैब वन जो होता है वो 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, जो कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो होता है वो CBT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कराया जाता है आपको। लिमिटेड समय रहता है जिसमें कि आपको 3 घंटे का भरपूर समय मिलता है और आपको जो है सारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें गाइस कि ये जो इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 आपको मिलेंगे, जिसमें से बहुत ही आंसर जो है वो बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। आपको एक बेस्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। पासिंग स्कोर जो है वो 60% रखा गया है, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। एग्ज़ाम जो है वो मार्च और नवंबर में कराया जाता है और एग्ज़ाम सेंटर जो है 180 प्लस कंट्रीज में रखा गया है। मैं इंडिया का हूँ, इंडिया को मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम फीस इसका 240 यूरोज रखा गया है। रिजल्ट जो है वो 4 हफ्ते के बाद, जिस दिन से आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन के बाद 4 हफ्ते के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है, या जी एप्लीकेशन जिस फॉर्म में फिलअप करोगे उस तरह से, या नहीं तो मेल के थ्रू आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मैक्सिमम अटैम्प्ट जो होता है वो 4 अटैम्प्ट ही आप दे सकते हो। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सीनियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि जनरल मेडिसिन से 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद सर्जरी से, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी पूछे जाते हैं, ऑप्थोमोलॉजी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, ENT पूछे जाते हैं, ये सब, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब गाइस, प्लैब टू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लैब टू जो होता है वो इसमें जो है 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि OSCE बेस्ड होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम्स होते हैं। ये जो होता है हर सेक्शन, पहला क्वेश्चन से मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है वो 8 मिनट्स का होता है। ऐसा नहीं है कि हर 18 क्वेश्चन मतलब टोटल जो है 8 मिनट्स का होता है, नहीं, पहला सेक्शन एक क्वेश्चन का जो है वो 8 मिनट्स का रखा गया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब पेशेंट जो है, अभी डॉक्टर जैसे मान लीजिए आप जो है आप पेशेंट का हिस्ट्री मेकिंग लोगे, ठीक है, मैनेजमेंट लोगे, मीन्स आप कैसे डायग्नोस करते हो पेशेंट का, ये चीज़ देखा जाता है। उसके बाद इंटर पर्सनल स्किल्स देखे जाते हैं, मतलब जो है आप पेशेंट से कैसे बिहेव करते हो, किस तरह से आप बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो, ठीक है, वो चीज़ें देखा जाता है। तो हिस्ट्री मेकिंग का 4 मार्क्स रखा जाता है और मैनेजमेंट का 4 मार्क्स रखा जाता है और इंटरपर्सनल स्किल्स का 4 मार्क्स रखा जाता है।
ये 3-step प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो पासिंग स्कोर जो है वो 6+ रखा गया। जैसे मान लीजिए आप इसमें 1 मार्क्स लाए, इसमें 2 मार्क्स लाए और इसमें जो है 3 मार्क्स लेते आए, तो आप पास हो। 3 to 5 + 1 = 6 मार्क्स है, तो जो है आप पास हो। एग्ज़ाम जो होता है वो आप कभी भी जाकर एग्ज़ाम दे सकते हो यूके में, जो कि यूके में मैनचेस्टर इंग्लैंड में कराया जाता है, ठीक है। हर साल में कभी भी आप जा सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद जो है ये 2 हफ्ते के बाद जो है आपको बता दिया जाता है कि आप पास हो या फेल हो, ठीक है। हालांकि ये एग्ज़ाम पास हो जाता है ज़्यादातर, मैक्सिमम जो है वो 90% जो है वो एग्ज़ाम बहुत प्लेप टू बहुत ईजी होता है, पास हो जाओगे। एग्ज़ाम फीस जो है वो 879 यूरो रखा गया है, ठीक है। और ये गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेब वन और प्लेब टू जो दोनों जो प्लेब वन प्लेब टू पार्ट वन एंड टू जो है वो 2 साल के अंदर में आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं मेंशन नहीं किया हूँ, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेस जो होता है इसका जो है सबसे पहले आप क्या करोगे, GMC अकाउंट जो है आप सेटअप करोगे, और GMC अकाउंट जब सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद जो है मेडिकल डिग्री वेरीफाई कराओगे, मतलब जो है आपका MBBS का डिग्री जो है, चाहे वो आप एब्रॉड से कर रखे हो या चाहे इंडिया से कर रखे हो, ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन जो है आप वेरीफाई कराओगे। उसके बाद जो है IELTS का एग्ज़ाम दोगे, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। ये कब दोगे, आप फाइनल ईयर रहोगे, फाइनल ईयर आपका रहेगा तब दोगे, यानी तो फर्स्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप रहेगा तब दे सकते हो, ठीक है। और IELTS एग्ज़ाम का जो है वो 7+ बैंडिंग स्कोर होना चाहिए, और ये एक बार पास हो गए, IELTS एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो गया तो समझो 2 साल का छुट्टी हो गया, मतलब वैलिड जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप जो होता है वो टोटल 1 ईयर्स का होना चाहिए, 365 डेज का होना चाहिए, एक दिन भी कमी नहीं होना चाहिए, और जिसमें से आपका 3 मंथ्स जो है सर्जरी का होना चाहिए, 3 मंथ्स का जो है मेडिसिन का करोगे, और 6 मंथ जो है आप जिस स्पेशलिटी के लिए आप जा रहे हो उस अपने हिसाब से वो करोगे, ठीक है। प्लेब वन एग्ज़ाम जो है वो इंटर्नशिप के दौरान आप दोगे, ठीक है। और प्लेब उसके बाद जो है जब आप दो लोगे पास हो जाते हो तो प्लेब टू के लिए आप तैयारी करोगे, प्लेब टू के लिए तैयारी करोगे या तो फाइनेंशियली और वीज़ा डॉक्यूमेंट्स दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों तैयार करोगे। अब देखिए प्लेब टू जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो 25 से 30 दिन जो है आप पहले जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रैक्टिस कई जो है फैकल्टी वहाँ पर जो है कोचिंग कराते हैं, वहाँ पे जो आप कोचिंग ज्वाइन करके जो है आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो क्लिनिकल स्किल्स आप जो है कर सकते हो। उसके बाद प्लेब टू एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद जो है आप जो है एग्ज़ाम जब क्लियर कर लेते हो उसके बाद GMC रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आप NHS मतलब NHS या NES प्राइवेट या गवर्नमेंट में आप काम कर सकते हो, ठीक है, एज ए SHO सीनियर हाउस ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, ये हो गया रेसिडेंस का, मतलब एज MBBS डॉक्टर इन UK का हो गया। अब बात करते हैं PG का, कि मतलब जो है आप UK में आपको PG करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए PG करने के लिए 2 साल का फाउंडेशन ईयर या हाउस जॉब करना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है गाइस, ये वहाँ का जो है इंटर्नशिप कराया जाता है, ठीक है। वहाँ का इंटर्नशिप 2 साल का होता है, जैसे अपन इंडिया का क्या होता है कि 1 साल का इंटर्नशिप होता है, तो यहाँ से अगर ये इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया का बता रहा हूँ, तो 1 साल का इंडिया में होता है, तो 1 साल का यदि इंटर्नशिप इंडिया से करते हो तो 1 साल वहाँ का बच जाता है, ठीक है, आपका सेफ हो जाएगा। वहाँ जाओगे 2 साल लगेगा, यहाँ पे करोगे 21 साल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कर लोगे 1 साल कंप्लीट जब कर लोगे ना, तो उसके बाद क्या है आप डायरेक्टली इसमें जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद 3 प्रोसेस होता है, 3 स्टेप में किसी में भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए PG करने के लिए आप इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया यहाँ तक, उसके बाद जो है 2 साल कोर्स ट्रेनिंग करोगे, फिर उसके बाद 6 ईयर स्पेशलिटी ट्रेनिंग करोगे। ये स्पेशलिटी ट्रेनिंग जो है मेडिसिन के लिए, खास मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए और साइकेट्री के लिए रखा गया है। जैसे मान लीजिए आपको मेडिसिन ही करना है तो मेडिसिन में इस लाइन से जाओगे, यदि मान लीजिए आपको न्यूरो सर्जरी से जाना तो स्ट्रेट से जाओगे, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप करोगे, उसके बाद जो है 6 साल आप करोगे, उसके बाद जो है कंसल्टेंट बन जाओगे वहाँ का, ठीक है। अच्छा, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस जो है आप रन थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू जाओगे, और उसके बाद इसमें भी 8 साल का प्रोसेस लगेगा, टोटल 6+2 8 ईयर्स इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट रखा गया है, ऑप्थमोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और रेडियोलॉजी, ठीक है। ये इसमें इस अगर विभाग में आपको जाना है तो कंसल्टेंट आप बन सकते हो, ठीक है, इस रन थ्रू जाओगे।
उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो जनरल फिजिशियन स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो है, ये 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है जो कि ये सिर्फ फैमिली मेडिसिन के लिए ही उपलब्ध है। और ये जो है आप फैमिली मेडिसिन से यदि आपको करना है तो वहाँ पे 3 साल पीजी करोगे, उसके बाद कंसल्टेंट बन जाओगे, ठीक है। और वर्किंग आवर्स जो है इस सब का, कंसल्टेंट का जितना भी वर्किंग आवर्स जो होता है वो 48 to 50 hours पर वीक होता है, ठीक है। तो ये हो गया पीजी का, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस जो है कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो है, कितना जो है आपका खर्चा पड़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इस वीडियो का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल खर्चा आपका प्लेब का जो है वो 6,000 pounds आपका होने वाला है। और आप जब वहाँ पे जाओगे पार्ट टू देने के लिए, 1 महीने के जब रहोगे तो वहाँ पे जो है 3,000 खर्चा ये पड़ेगा, मीन्स टोटल जो है 9,000 pounds ये लगेगा। उसके बाद जब वहाँ पे आप काम करने लगोगे, वहाँ पे काम जब करने लगोगे तो 2,000 to 2,500 pounds आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो इंक्लूडिंग जो है नाइट शिफ्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो 2,000 to 2,500 pounds आपको मिलेगा, पहला मंथ पेमेंट होगा, ठीक है। अब गाइस इसमें जो है इंपॉर्टेंट बुक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज़।